तो दोस्तों आप सभी को तो पता होगा कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पैसा आता है चाहे वो पीएम किसान की पैसा ले ले या तो स्कॉलरशिप का पैसा ले ले या जो भी पैसा हो जो गवर्नमेंट की तरफ से आता है वो जो पैसा आता है दोस्तों आपके यानी बैंक के साथ जिस बैंक में आधार शीडिंग रहता है उसी बैंक में आपका पैसा आता है आप ये मत समझिए कि मेरे हर बैंक अकाउंट में जो आधार कार्ड लिंक है लिंक होना एक अलग वाली बात लेकिन आधार शीडिंग जो है दोस्तों वो अलग है ठीक है यानी आधार शीडिंग का मतलब होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पैसा आपके अकाउंट में आता है ठीक है वो आधार कार्ड सबको भेजा जाता है यानी जो आपके जिस बैंक के अकाउंट में आधार शीडिंग होगा उसी बैंक में आपका पैसा आएगा ठीक है तो दोस्तों अगर आपको भी पता करना है कि मेरे जो है बैंक अकाउंट में यानी आधार सीढ़ी में कौन सा बैंक लिंक है और किस बैंक में मेरा पैसा आ रहा है अगर दोस्तों आपको जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना है ठीक है और चैनल पर पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ठीक है तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पे सबसे पहले अपने मोबाइल या अपने लैपटॉप में जो किसी ब्राउजर को ओपन कर लेना ठीक है उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है यू आई डी ए आई ठीक है आपको यहाँ पे इतना सर्च कर लेना ठीक है आप जब यहाँ पे इतना सर्च करते तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस यहाँ पे आ जाता है ऊपर में आपको देखने के लिए मिलेगा यू आई डी ए आई डॉट जी ओ वी डॉट इन तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है दोस्तों ठीक है क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस यहाँ पे आ जाता है सबसे पहले तो पे लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है ठीक है आप जिस भी लैंग्वेज में इसको यहाँ पे यूज करना चाहते हैं जैसे कि यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इंग्लिश में सेलेक्ट कर लेता हूँ ठीक है आप जिस भी लैंग्वेज में इसको यूज करना चाहते हैं वो आप लैंग्वेज यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे ठीक है लैंग्वेज सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ प्रोसेस लेगा तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेना ठीक है जैसे कि ये लोडिंग ले रहा है उसके बाद यहाँ पे कुछ इस प्रकार का इसका इंटरफेस यहाँ पे आ जाता है ठीक है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप चाहे तो डायरेक्ट क्लिक करके यहाँ पे आ सकते हैं ठीक है उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा आपको माई आधार आपको यहाँ पे आना है और तीसरा ऑप्शन जो लिखा हुआ है दोस्तों यहाँ पे देखेंगे आधार सर्विस आपको यहाँ पे कर्सर ले आना ठीक है उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे थोड़ा और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेगा बैंक सीडिंग स्टेटस तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना ठीक है आप दोस्तों जब यहाँ पे क्लिक करते थे एक न्यू पेज ओपन हो जाता है जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ठीक है आप अपने मोबाइल फोन में कर रहे हैं तो वहाँ पे आप जो थ्री डॉट पे पेज आकर डेस्टॉप फ्लाइट को ऑन कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन है आपको यहाँ पे लॉगिन के ऊपर क्लिक करके आपको जो है अपना आधार कार्ड डाल करके यहाँ पे जो है आधार कार्ड का नंबर डालेंगे ठीक है जो कि यहाँ पे प्रोसेस ले रहा है तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड का नंबर डाल देना है नीचे आपको यहाँ पे डाल देना है ठीक है उसके बाद लॉग इन विद ओ टोपी का ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है इतना करने के बाद आपके आधार के साथ जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक ओटो पी सेंड किया जाएगा ठीक है तो ओटीपी को इस वाले बॉक्स में आपको फिल करके यहाँ पे लॉग का ऑप्शन आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि आप यहाँ पे जो है लॉग इन हो जाएंगे आपका आधार कार्ड यहाँ पे लॉग इन हो जाएगा उसके बाद आपको स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आना है क्योंकि आपको यहाँ पे जो पता करना है कि आपके आधार कार्ड के साथ कौन सा बैंक यहाँ पे सीडिंग है जिसमें कि गवर्नमेंट की तरफ से जो भी पैसा आप भेजा जा रहा है उसी बैंक में आपको यहाँ पे आ रहा है तो चेक करने के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आना है ठीक है और नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा देखने के लिए बैंक सीडिंग स्टेटस यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस प्रकार का कर इसका इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि का ऑप्शन है ठीक है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है योर आधार बैंक मैपिंग हैज हैजबिन डन यानी जो जो मेरा जो है बैंक वो आधार के साथ यहाँ पे सीडिंग है और वो कौन सा बैंक है यहाँ पे देख सकते हैं यूको बैंक है मेरे केस में ठीक है तो आपके केस में जो भी होगा यहाँ पे चेक कर लेंगे उसके बाद पे पे देख सकते हैं बैंक सीडिंग स्टेटस क्या है है एक्टिव अगर आपके केस में ये इनएक्टिव है तो इसको एक्टिव कैसे करना अगर आपको जानना है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं मैं इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो बनाकर डाल दूंगा ठीक है अगर दोस्तों हो सकता है कि आपके जो है आधार के साथ कोई भी बैंक यहाँ पे सीडिंग नहीं हो यानी जो है एनपीसीआई के द्वारा लिंक नहीं हो अगर आपको लिंक करना है यानी आधार सेडिंग करना है मोबाइल से तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बना के डाल दूंगा जिससे कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आप अपना आधार कार्ड में जो बैंक अकाउंट को कैसे सीडिंग कर सकते हैं ठीक है तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज एक लाइक कर देना है और चैनल पर नए तो चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके बेलकिन घंटा प्रेस कर लेना ठीक है तो दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद बंदे मातरम